हंसना होता है। थे सही थे लेकिन लास्ट में जो सीन थे ना, एक नंबर था। पार्ट 2 आई वुड लव टू वॉच अगर आता है तो। इट वाज वेरी यूनिक क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कुछ आज तक दिखाया गया है ना, तो उसके अकॉर्डिंग कहना चाहता हूँ कि ये 2022 की अगर मैं मूवीज में बात करूँ तो टॉप 5 मूवीज में मैं इसको रखना चाहता हूँ। यस, काफी ज्यादा अच्छी मूवी थी। औसम थी। स्टोरी के बारे में क्या ख्याल है आपका सर? स्टोरी बहुत सही थी और आगे और भी बहुत कुछ राज खुलने वाले उसमें, स्त्री से रिलेटेड। स्पॉइलर दे रहा हूँ। काफी औसम थी। सब लोगों का काम वगैरह कैसा है? बहुत सही, बहुत सही। सब लोगों को रिकमेंड करेंगे आप मूवी देखेंगे? हाँ सही, देखना चाहिए। हाँ 5 में से स्टार के दे रहे हैं। 5 सर, आपका कैसा एक्सपीरियंस? बहुत सही एक्सपीरियंस था, बहुत सही। व्हाट यू कैन से अबाउट द VFX विजुअल्स? VFX विजुअल वो सब थे सही थे लेकिन लास्ट में जो सीन्स थे ना, एक नंबर था। इज इट वर्थ वाचिंग? यस यस यस। लोगों को कैसे रिकमेंड करेंगे आप? अच्छी लगी? अच्छी है, मतलब अगर हॉरर क्रेज है मूवी देखनी है तो ये जरूर देख सकते हो। बेस्ट। सब लोगों का काम वगैरह कैसा है? बहुत सही काम है, बहुत सही। वरुण धवन का बेस्ट काम है। क्या बात है। 5 में से कितने स्टार देंगे? 4.5। थैंक यू। बहुत बढ़िया है। ओके, वन टाइम वॉच यू कैन से, डिपेंड अभी किसी को क्या अच्छा लगता है करके। VFS वॉज गुड, वरुण धवन वॉज टॉप नॉच, द रेस्ट ऑफ द पीपल हैव डन ऑल द गुड वर्क। क्या बात है। स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग, पावरफुल स्टोरी है। हाँ, क्या लगता है आपको 3 part 2 आना चाहिए? श्योर। या फिर भेड़िया part 2 ऐसा? भेड़िया part 2 आई वुड लव टू वॉच अगर आता है तो। क्या बात है। लोगों को कैसे रिकमेंड करेंगे आप ये मूवी? देखिए, दिस इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। इन कुछ और नया देखना चाहते हो रेस्ट ऑफ द थिंग्स से तो दिस इज अ गुड थिंग टू वॉच। क्या बात है। 5 में से स्टार देंगे? सॉरी, 5 में से स्टार? 4.5 आई विल गिव। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। इट वाज नाइस। स्टोरी वाइज फैंटास्टिक स्टोरी। इट वाज वेरी यूनिक क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कुछ आज तक दिखाया गया है ना, तो उसके अकॉर्डिंग इट वाज अमेजिंग। विजुअल्स एंड VFX के बारे में? वेरी नाइस, वेरी नाइस। देयर इज अ अपीयरेंस ऑफ श्रद्धा कपूर आल्सो इन दिस शो? नहीं नहीं, नॉट श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव का अपीयरेंस है स्त्री के लिए, स्त्री का उन्होंने प्रमोशन किया एंड में। इट वाज नाइस, अमेजिंग लिंक अप, अमेजिंग। क्या बात है। सब लोगों का जो काम है, वरुण धवन, कृति सेन है, वरुण धवन वाज वेरी नाइस, मतलब उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया इस मूवी के लिए दिख रहा है। लेकिन जो उनके साइड में दोस्त बने अभिषेक बैनर्जी जगन्नाथ का जिनका रोल है, he was epic in this movie, बहुत अच्छा। Is there any particular scene which you like the most या फिर सब इस movie का यूएस? I liked how the friends supported each other, बहुत अच्छा। 5 में से कितने स्टार? I'll give 5/5. It was nice, very thank nice. तो सर फाइनली आपने देख ली भेड़िया मूवी। Yes. कैसी लगी मूवी, कैसा था आपका एक्सपीरियंस, क्या कहना? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। मैं कहना चाहता हूँ कि ये 2022 की अगर मैं मूवीज में बात करूँ तो टॉप 5 मूवीज में मैं इसको रखना चाहता हूँ। यस, काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवी थी और वरुण धवन का काम में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है इस मूवी में, तो बहुत अच्छा रोल किया वरुण धवन ने और अभिषेक बैनर्जी ने, काफ़ी अच्छा मूवी। क्या बात है। स्टोरी के बारे में क्या ख्याल है आपका, कितनी ग्रिपिंग स्टोरी? ऐसी है कि आपको बांध के रखेगी मूवी में, मतलब आपकी नज़र हटेगी नहीं। म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो VFX काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो मूवी ऐसी है कि आप इंतज़ार करेंगे फर्स्ट हाफ के बाद कि सेकंड हाफ में क्या होने वाला है। क्या बात है। सब लोगों के काम के बारे में क्या ख्याल है वरुण धवन को छोड़ के? सबका काम अच्छा है। जो दोस्त का, फ्रेंड का, उनका नाम याद नहीं है मुझे, लेकिन उनका फ्रेंड का जो रोल किया है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अभिषेक बैनर्जी तो हमेशा से अच्छे करते हैं और वरुण धवन ने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे किए। इस मूवी में बातें चल रही है कि इसमें 3-2 का लिंकअप है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? 3-2 का जो लिंकअप है वो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि अभी सस्पेंस वो बाहर आ जाएगा, लेकिन जो भी है आप लास्ट में जब सेकंड हाफ में देखोगे, लास्ट मूवी जब ख़त्म होने वाली होती है, आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब फुल एंटरटेनमेंट, फुल पैसा वसूल मूवी। ऐसा कौन सा एक पर्टिकुलर सीन है जो आपको सबसे पूरे मूवी में अच्छा लगा, ऐसा कुछ है? जो जब वो वरुण धवन भेड़िया बनता है, वो मूवी जब वो टर्न करता है भेड़िया, मतलब इंसान से भेड़िया बनता है, वो ज़्यादा अच्छा है। VFX काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्या बात है। भेड़िया मूवी देखने के बाद एक बार हॉल हो जाए, चिल्लाना होता है। और एक म्यूजिक आता है बीच में, जब उन लोग कार में बैठे होते हैं, आप लोग देखिएगा जब वो म्यूजिक आता है हिमेश रेशमिया का, वो ज्यादा पसंद आएगा। चलो जाते हैं। 5 में से कितने स्टार देंगे सर? 4.5। थैंक यू।